फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड कीजिए तका। यूपी में आचार संहिता लागू होने के बाद से लगातार भाजपा छोड़कर जाने वाले नेताओं की जैसे झड़ी लग गई है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी की राजनीतिक खबरों का एक ही अड्डा यूपी तक। यूपी में जहां सबसे पहले योगी सरकार के श्रम मंत्री और कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर पिछड़ों, दलितों, किसानों के लिए उपेक्षात्मक रवैया अपनाने की बात कहते हुए इस्तीफा दे डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद भाजपा से अब तक कुल 3 मंत्रियों और 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात जो गौर करने वाली दिखी कि इन सभी इस्तीफे वाले पत्रों में एक समान बातें और एक ही तरह की लाइनें लिखी हुई हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चलने लगी कि ऐसा क्यों हुआ आखिर। इस्तीफा देने वालों में मंत्री दारा सिंह चौहान के साथ धर्म सिंह सैनी जैसे बड़े नेता शामिल रहे। इसके साथ ही विधायकों वाली लिस्ट में भगवती सागर, रोशनलाल वर्मा, विनय शाक्य, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा और बाला प्रसाद अवस्थी जैसे नाम शामिल थे। मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगारों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ, पिछड़ों के और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। इसी के साथ धर्म सिंह सैनी ने भी अपने इस्तीफे में लिखा कि सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगारों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। इन सभी इस्तीफों के साथ विधायकों द्वारा भी जो पत्र दिए गए, उनमें भी उपेक्षात्मक रवैये की बात कही गई है, जिससे ऐसा लगता है कि ये सभी इस्तीफे एक ही टाइपराइटर से लिखे गए हों। लेकिन इसके पीछे आखिर क्या है सियासत, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 2017 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, तब उनके साथ ये सभी विधायक बसपा छोड़कर भाजपा में आए थे, जिसके बाद ये सभी भाजपा के टिकट पर जीते। लेकिन 2022 के चुनाव में इनमें से कई लोगों का टिकट कटने की बात सामने आई। साथ ही साथ सरकार में पर्दे के पीछे चल रही गुटबाजी के कारण भी इन सभी नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। अपने पत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य सहित तमाम नेताओं ने सरकार के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने दलितों, पिछड़ों के लिए उपेक्षात्मक रवैया अपनाया। इन सभी लोगों में से कई लोग अब सभा में शामिल हो चुके हैं और बाकी जल्दी ही किसी न किसी पार्टी के साथ जा सकते हैं। अब देखना होगा कि आरएसएस को नाग और भाजपा को सांप कहकर खुद को नेवला कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस चुनाव में सपा के लिए गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की गोलबंदी कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना साफ है कि वे अपने दांव से 3 दिन में भाजपा को कई बार झटका दे चुके हैं। ऐसी ही राजनीतिक खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।